हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क हैं, ये जानने वाले हैं। और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह का होता है, ये जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है वो इस तरह से बनता है। सबसे पहले जो कॉलम्स है राइट साइड से, पहला कॉलम वंस का कॉलम होता है, दूसरा थाउजेंड्स का, तीसरा लैक्स का और चौथा करोड़्स का। उसके आगे भी होता है लेकिन जनरली करोड़्स तक ही बताया जाता है। सिक्स क्लास सेवन क्लास में जो प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ाया जाता है इसमें करोड़्स तक ही है। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी चार पीरियड्स तक ही बताया जाता है। उसके आगे भी होता है लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है वो चार पीरियड्स तक ही पढ़ना है। पहला है राइट साइड से वंस का पीरियड, दूसरा है थाउजेंड्स का, तीसरा इसमें होता है मिलियंस का और चौथा है बिलियंस का। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में तीसरा पीरियड लैक्स का होता है लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में तीसरा पीरियड मिलियंस का होता है और इंडियन में चौथा पीरियड करोड़्स का और इंटरनेशनल में चौथा पीरियड बिलियंस का। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट पीरियड्स में कौन कौन से प्लेसेज होते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में फर्स्ट पीरियड जो वंस वाला पीरियड है राइट साइड से, उसमें तीन प्लेसेज हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स का। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी फर्स्ट पीरियड में तीन प्लेसेस हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स का। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सेकेंड पीरियड जो है थाउजेंड्स वाला, उसमें दो प्लेसेस हैं, थाउजेंड्स और टेन थाउजेंड्स। लेकिन यहाँ जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो सेकेंड पीरियड है थाउजेंड्स वाला, उसमें तीन प्लेसेस हैं, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स और हंड्रेड थाउजेंड्स। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थर्ड पीरियड है लैक्स वाला और इसमें दो प्लेसेस हैं, लैक और टेन लैख। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थर्ड पीरियड है मिलियंस वाला और इसमें तीन प्लेसेस होते हैं, मिलियंस, टेन मिलियंस और हंड्रेड मिलियंस। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में चौथा जो पीरियड है वो है करोड़्स का और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में चौथा पीरियड है बिलियंस वाला। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो चौथा पीरियड है करोड़्स का, उसमें दो प्लेसेस हैं, करोड़्स और टेन करोड़्स। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में चौथा पीरियड में भी तीन प्लेसेस होते हैं, कौन, बिलियंस, टेन बिलियंस और हंड्रेड बिलियंस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कितने पीरियड्स हैं, हर पीरियड्स में कितने कितने प्लेसेस हैं। तो आप जो मेनली देखिएगा वो देखने को मिलेगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहला पीरियड में तीन प्लेसेस हैं, बाकी सभी पीरियड में दो दो प्लेसेस हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले पीरियड में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सभी पीरियड्स में तीन तीन प्लेसेस हैं। तो ये जो है मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच ये है। अब हम लोग नंबर्स को पुट करके देखेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वही नंबर हम लोग किस तरह पढ़ते हैं और ठीक उसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वन है तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी वन को वन ही पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में टेन को टेन पढ़ेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी टेन को टेन ही पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हंड्रेड को हंड्रेड पढ़ेंगे और इंटरनेशनल में भी हंड्रेड को हंड्रेड ही पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थाउजेंड्स को थाउजेंड ही पढ़ेंगे, वन थाउजेंड वन थाउजेंड है, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी 1000 को 1000 ही पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10000 को 10000 पढ़ेंगे और इंटरनेशनल में भी 10000 को 10000 पढ़ेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1 लाख को 1 लाख कहते हैं लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1,100,000 कहा जाता है। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10 लाख को 10 लाख कहते हैं लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1 करोड़ को 1 करोड़ ही कहते हैं लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1 करोड़ को 10 मिलियन कहा जाता है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10 करोड़ को 10 करोड़ कहते हैं लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे जो हमने नंबर लिखा है उसको हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पढ़ेंगे 97,86,42,530 और इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोग पढ़ेंगे
978,642,530। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही नंबर को इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।